तो दोस्तों अब मुझे गोजीटा के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब से ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी आई है तब से हमने गोजीटा को ना चाहते हुए भी स्क्रीन पे 500 बार देखा है। तो दोस्तों अब जबकि गोजीटा कैनन हो चुका है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में, तो वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का जवाब देने का जो क्वेश्चन हम सदियों से पूछ रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, गोजीटा या वेजिटो, और क्या फ़र्क है ये दोनों फ्यूजन में। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों फ्यूजन काफ़ी अलग है दिखने में भी और परफॉर्मेंस में भी। तो दोस्तों हमें इतना याद रखना चाहिए कि 2018 नवंबर मंथ की शोनेन जंप फेस्ट मैगजीन ने ये दोनों फ्यूजन के बारे में एकदम डिटेल जानकारी दी थी। पहले फ्यूजन की अगर हम बात करें तो वो है पोटारा फ्यूजन। ये फ्यूजन में गोकू और वेजिटा पोटारा यूज़ करते हैं फ्यूजन के लिए जो उन्हें दी थी सुप्रीम काई ने, और तब हमें मिलता है वेजिटो। अगले फ्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो वो है फ्यूजन डांस। अगर गोकू और वेजिटा ये फ्यूजन डांस परफॉर्म करें तो हमें मिलता है गोजीटा। गोकू और वेजिटा को अपने पावर लेवल सेम रखने पड़ते हैं ये डांस के लिए, तब जाके हम एक प्रॉपर फ्यूजन देख सकते हैं। और एक बार ये फ्यूजन तैयार हो गया तो हम देख सकते हैं कि आधा चेहरा वेजिटा का होता है और आधा चेहरा गोकू का होता है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो यहाँ वेजिटो के कपड़े गोकू और वेजिटा के कपड़ों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। और वही अगर हम गोजीटा की कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो कॉस्ट्यूम स्टाइल प्लैनेट मेटामॉन स्टाइल जैसा है जहाँ पे फ्यूजन डांस का इन्वेंशन हुआ था। तो दोस्तों अगर हम गोजीटा वर्सेस वेजिटो भी देखें तो ऑफिशियली ये दोनों इक्वल है, मगर पोटारा फ्यूजन का टाइम लिमिट ज़्यादा है कंपेयर करेंगे फ्यूजन डांस से। तो अगर गोजीटा को जीतना है तो उसे फुल पावर में हमला करना होगा, और अगर गोजीटा फुल पावर में जाता है तो ऑब्वियसली वेजिटो भी फुल पावर यूज़ करेगा। मगर यहाँ पे वेजिटो को खतरा है क्योंकि हम सब जानते हैं अगर वेजिटो अपनी फुल पावर यूज़ करता है तो वो पोटारा फ्यूजन फेल हो जाता है क्योंकि वो पावर संभाल नहीं पाता है और टाइम लिमिट जो पोटारा फ्यूजन का होता है वो घट जाता है। तो दोस्तों ये जो बैटल है वेजिटा वर्सेस गोजीटा, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। जिसको भी जीतना है उसे फुल पावर में वार करना होगा, मगर ये डिपेंड करता है, हो सकता है दोनों एक साथ हमला करें, जैसे वेजिटो फाइनल कामयामिया दे दे और गोजीटा अपना अल्टीमेट कामयामिया, वो दोनों टकराएंगे और नलिफाई हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस बैटल का कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलता है, इसीलिए जंप फेस्ट मैगजीन ने सोच समझ के दोनों को इक्वल स्पॉट दिया है, हेंस हम मान सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और आई होप सो मैंने गोजीटा वर्सेस वेजिटो वाला डाउट क्लियर कर दिया हो। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया।